डॉक्टर YS परमार वाणिज्य विश्वविद्यालय नौणी में हर वर्ष की तरह इस साल भी बागवानों के लिए फलदार पौधे की बिक्री शुरू हो गई है। पौधों को खरीदने के लिए प्रदेश के किसानों में बहुत उत्साह दिखा और सुबह से ही उनका विश्वविद्यालय परिसर में आना शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू और कश्मीर सहित अन्य राज्यों से भी कई किसान पौधे लेने विश्वविद्यालय आए। पहले दिन करीब 40,000 पौधे विश्वविद्यालय द्वारा बेचे गए। सेब में सफर किस्मों की काफी डिमांड रही। इस वर्ष विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा फसलों की विभिन्न किस्मों के करीबन 84,000 पौधे तैयार किए गए हैं, जो विश्वविद्यालय परिसर में ही किसानों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल के विभिन्न किसानों हिस्सों में स्थित विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों और क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों में भी करीबन 62,000 पौधे बागवानों के लिए तैयार किए गए हैं। नौणी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सोलन के कृषि विकास केंद्र कंडाघाट, किन्नौर के केवीके सार्वो, लाहौल स्पीति के केवीके तावो, शिमला के केवीके रोहड़ू, चंबा और क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र बुजौरा मसोबरा में भी पौधे तैयार किए गए हैं। जिन फलदार पौधों की बिक्री की गई है उनमें सेब, कीवी, पलम, खुमानी, आड़ू, अखरोट, चेरी, अनार, नाशपाती आदि शामिल है। विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग बीज विज्ञान और अनुसंधान निदेशालय के अंतर्गत मॉडल फॉर्म में इन पौधों को तैयार किया गया है। ये सभी पौधे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेचे जा रहे हैं। जहाँ तक पौधों के वितरण का संबंध है, लोग बहुत जल्दी सुबह आने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें हम वितरण का इस तरह से रखते हैं कि पहले टोकन दे दिया जाता है किसान भाइयों को, उसके बाद वो उस टोकन की पर्ची पर अपनी डिमांड लिखते हैं। उसमें से जो जो डिमांड हम उनकी फुलफिल कर पाते हैं उसमें उनको टोकन पे टिक करके फिर वो अपना कैश कटवाते हैं, उसके बाद उनका मटेरियल पैक कर दिया जाता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे जितना हमारे पास मटेरियल है उसके अकॉर्डिंगली कोशिश रहती है कि सभी लोगों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मटेरियल मिले, इस तरह से वितरण प्रणाली रखी जाती है। वहीं नौणी विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर JS चंदेल ने बताया कि विश्वविद्यालय में इस साल भी कई पहाड़ी राज्यों के साथ साथ निचले राज्यों के लोग भी फलदार पौधे की खरीद के लिए आए हैं, और जहां निचले क्षेत्र के लिए सेब की अन्य किस्मों की भारी मांग है, वहीं पर ऊपरी क्षेत्रों के लिए भी सफर किस्मों की भारी मांग है। ये हमारे फल विज्ञान विभाग की पौधशाला है। यहाँ पर जितने भी हमारे टेम्परेट फ्रूट्स है, खासकर जैसे कि सेब ले लो, नाशपाती, खुमानी, आड़ू, कीवी फल, अखरोट, इनकी नर्सरी पौधे हम तैयार करते हैं और बागवान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। इस वर्ष भी हर साल की तरह, जैसे कि लास्ट ईयर या पिछले सालों की तरह, लोग काफ़ी आए हैं और हम खासकर सब लोगों को यहाँ पर इन नर्सरी पौध की फलदार पौधों की नर्सरी उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर खासकर हिमाचल प्रदेश के हर जिले से, खासकर जहाँ शिमला जिला हो गया, सिरमौर जिला हो गया, या मंडी, कुल्लू, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ उत्तराखंड और कश्मीर से भी लोग यहाँ इन फलदार पौधों के नर्सरी पौधे लेने आए हैं। और खासकर जो निचले क्षेत्रों में जो अन्ना वैरायटी है उसको पौधे लेने के लिए हमारे यहाँ मेरठ से भी है और कुछ लोग पंजाब से भी आए हुए हैं। अच्छा सर, अभी तक खासकर जैसे कि सेब की बात करें, हमारे स्पर टाइप है, सुपर चीप हो गया, स्कारलेट स्पर हो गया, जगोमाइन, रेड ब्लॉक्स गाला, गेल गाला और रेड लम गाला, इन पौधों की अधिक डिमांड है और फार्मर्स को हम ये इन